सो नाउ स्टूडेंट मूविंग फॉरवर्ड अब अगर uh, एक स्टार्टअप कंपनी है वो स्केल कर रही है अपने आप को यानी ग्रो कर रही है उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है एंड uh, उन्होंने कुछ डेवलपर्स हायर किए एंड दे कीप ऑन हायरिंग एक रोल आपको बड़ा कॉमन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं हीरो हीरो से मुरादी ही होती है इसको हम लोग uh, बोलते हैं सिंगल मैन आर्मी यानी एक बंदा है जिसने कंपनी का बोझ उठाया हुआ है टेक्निकली इसका मतलब क्या है बड़ी यह बड़ी मदे की चीज है हीरो से मुराद एक ऐसा कंपनी का रिसोर्स है जो कंपनी के साथ शुरू दिन से अटैच है जब कंपनी स्टार्ट हुई थी यानी या शुरू के दिनों की अटैच है और वो कंपनी के साथ साथ ग्रो कर रहा है अब कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन जो हीरो है वो उस पर उतनी ही ऑब्वियसली कंपनी डिपेंडेंट होती जा रही है एक बात दिमाग में रखिएगा कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है ना तो अभी कोई प्रोसेस या कोई मैनेजमेंट या कोई आसान लफ्जों में कुछ लिखत पढ़त जिसको हम लोग स्पेक्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं या रिक्वायरमेंट बोलते हैं वो नहीं है इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी डेवलप हुआ है वो लोगों के दिलों में है यानी एक सीनियर रिसोर्स है उसके दिमाग में लिखा हुआ सब कुछ कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या थी क्या फीचर थे कोडिंग कैसे हुई हुई है एंड सो ऑन ऐसी आप समझे ऐसे करेक्टर को हीरो बोलते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखनी है आपने कि जो इंसानी दिमाग है ना वो स्टोरेज नहीं है यानी मेरा दिमाग या जो डेवलपर है उसका दिमाग हार्डेस्ट नहीं है स्टोरेज का काम दिमाग नहीं करता दिमाग का काम है प्रोसेस करना प्रोसेसिंग करना स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क है लेकिन जो हीरो होता है ना उसको हम हीरो क्यों कहते हैं है? हीरो इसलिए कहते हैं कि वो अपना दिमाग स्टोरेज के लिए भी यूज करता है फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट अगर डेवलप हुआ है उसमें अगर लेट सपोज छत लाख लाइन ऑफ कोड है तो हीरो वह बंदा होता है जिसको छ सात लाख लाइन ऑफ कोड के इन आउट पता है सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली ये किसी भी कंपनी का डाउनफॉल शो कर रहा होता रीजन हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर आपकी एक बंदे पर डिपेंडेंसी हो तो यू नो ही कैन इजीली ब्लैकमेल यू और आई एम टेलिंग यू द लोकल स्टोरीज फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान कि दीज करेक्टर्स दीज रोल्स एक्चुअली एग्जिस्ट और मजे की बात यह है क्योंकि ऑनर्स को पता है कि हीरो ने कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई उसको जितना भी पता है उसके उसी को पता है आप ऐसे डेवलपर को कुछ कह भी नहीं सकते काम करने के लिए अगर आप उसे कुछ काम करने के लिए कहें तो एक बड़ा मशहूर फ्रेज यू विल आपको सुनने को मिलता है कि मैनेजमेंट मेरी क्रिएटिविटी को किल कर रही है यानी अगर आप डेवलपर्स को कहें ऐसे हीरो डेवलपर को कहें कि तुमने पिछले एक हफ्ते क्या किया आंसर यू दे विल जस्ट टेल यू के uh, मैं क्रिएटिव काम कर रहा था एंड आई एम टेलिंग एक्चुअल वर्डिंग फ्रॉम द हीरो सम ऑफ द हीरो इस तरह की जो करेक्टर एग्जिस्ट करता है वो ग्रोइंग कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती यानी कंपनी अगर स्केल कर रही है अपने आप को इस तरह के करेक्टर्स या इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं वो ग्रोइंग कंपनी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती क्योंकि ये uh, यानी अमूमन हीरो एक तो हीरो होता है कि उसके पास सारी डोमेन नॉलेज है सारी कोड एक्सेस उसे पता है एंड सो ऑन दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है वो ये होता है कि आप इनको कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते यानी उसका दिल करेगा तो वो काम करेगा इसका दिल नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा leaves, एकदम गायब हो जाना क्योंकि आपको पता है कि आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है यू कॉन्ट इवन बॉर्डर टू से एनी थिंग ऑब्वियसली और दूसरा इशू ये है कि जैसे कंपनी ग्रो करती है तो एक बंदा कब तक कंपनी के सारे काम करेगा लेकिन जो मैं आपको पंचलाइन अभी बताने लगा हूं कि कि ये मैंने आपके सामने इसलिए पिक्चर की है कि जब आप लोग अपना बिजनेस ओपन करें ई कॉमर्स स्टोर ओपन करें तो ये सारे इश्यूज आपको भी फेस होंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आप इश्यूज फेस किए बगैर जंप इन कर जाए यानी एकदम कोई फेस से आउट हो जाए ऐसा नहीं है यू विल फेस दिस इश्यूज जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि इस ये हीरो वाले रोल की जो रियलाइजेशन है ये कंपनीज uh, में होती है कुछ हद हाँ तक लेकिन डर ये होता है कि कोड जो है उसके साथ कोई हीरो गड़बड़ ना कर दे क्योंकि एक बड़ा मशहूर फ्रेज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि इफ द कोड इज रनिंग इट इज ओके नो मैटर हाउ बैड इट इज रिटर्न यानी अगर एक सॉफ्टवेयर चल है ना वो अच्छा है उस सॉफ्टवेयर से जो नहीं चल रहा और अच्छा लिखा हुआ है अगर गंदा कोर्ट चल रहा है वो मुझे काबज कबूल है उस कोर्ट से जो लिखा तो अच्छा हुआ है लेकिन अभी चल नहीं रहा तो अगर एक चीज रनिंग फॉर्म में है बहुत बड़ा रिस्क होता है इस संग के करेक्टर को इस संग के रोल को आउट करना या समझाना या मैनेजमेंट की लेर में लेके आना ताकि सही तरीके से काम हो रीजन कि इस चीज से कंपनी का कल्चर ग्रो कर रहा होता है अगर एक डेवलपर देख रहा है कि एक सीनियर रोल है वो आ ही दोपहर के तीन बजे रहा फॉर एग्जाम्पल तो आप बाकी डेवलपर्स को क्या कह के कहेंगे कि सुबह नौ या दस बजे आओ तो कहने का मतलब है ये रोल एग्जिस्ट करता है तो ये एक बैड मैनेजमेंट या बैड कल्चर की एक निशानदेही कर रहा होता है जिसको एज सुन एज पॉसिबल हमें या तो मिटिगेट करना है मतलब इसे या इस इस बिहेवियर को हमने कंट्रोल करना है या रिप्लेस करना है या बदल देना है इसको